हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज वीडियो रे आम डिस्कशन करवा एनएमएस परीक्षा 2022 रो प्रस्तुति पाई विज्ञान विषय रो बल और चाप ए पाठ रो ऑल एमसीक्यू जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छी सब गुड़ी को आज वीडियो रे आम डिस्कशन करवा एवं तुम एनएमएस एग्जाम पे प्रश्न तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट तुम वीडियो को समस्त शेष पर्यंत देखंतु। टोटल मु तुम पे 45 टा प्रश्न लेके आसी। प्रति प्रश्न तुमने पर गोटे लाइव टेस्ट सदृश तुमने पर आंसर देव जे वीडियो शेष में कमेंट कर तुम 45 रु कतोटी प्रश्न ठीक अच्छे माने प्रति प्रश्न मुझ पढ़ी मो पर तुमने आंसर देव तुम आंसर देलापर मुझ कह से आंसर ठीक अच्छे ना भूल अच्छे ता सह से प्रश्न गुड़िक बुझे मत तुम बुझीपना वीडियो शेष में एपरिका 45 प्रश्न सर एम तुम कमेंट्रे जन तुम 45 रु कतोटी प्रश्न ठीक अच्छे कतोटी प्रश्न भूल अच्छे बुझीपार्च। तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व समस्ते मन रखु प्रत्येक दिन ठीक राति 9 बेले आम एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे एनएमएस परीक्षार प्रस्तुति पाई लाइव क्लास एवं लाइव क्लास तुम डिसेंबर 4 तारीख पर्यंत चलो एटी पढ़ाई कौन केवल तुम पेपर टू जनरल साइंस सहित सोशल साइंस पढ़ा जाऊँ बाकी पेपर वन मेंटल एबिलिटी टेस्ट ताकि पेपर टूर गणित विषय तुमको कौटी मिले आम माइ क्लास आप्लिकेसन कोर्स मिल कोर्स नेम हो एनएमएस 2022 से गोटे पेड कोर्स तो से कोर्स विषय में तुम सब डिटेल्स जापर यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक रही सहित तुम जब टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना था जाइए जॉइन कर मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल रो लिंक रही से लिंक रे क्लिक कर समस्त टेलीग्राम जॉइन कर टेलीग्राम बहुत गुड़े पिला जॉइन करते तुम एनएमएस परीक्षार सब अपडेट गुड़िक सेयार होता सहित एग्जाम विषय सब कहूँ के कौन पढ़ा सबकि मुझे अपडेट दूसरी तुम जाइए समस्त जॉइन कर नब बुझिपार तो चलो क्लास को स्टार्ट करवा आ गोटे कथा बाकी अच्छे मैंने बहुत गुड़ी पिला कन्फ्यूज थी मन में कि सार जहाँ भी किसी आप पढ़ाई आम एनएमएस परीक्षा पर यूट्यूब चैनल जहाँ भी क्लास आम कौटी पाइबू ना तुम सब एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जीवला एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल गलापर ये प्ले लिस्ट लिखाई आम एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट उपर देखो ना से प्ले लिस्ट से क्लिक कर प्ले लिस्ट क्लिक कालापर तुम देखा एनएमएस 2022 है तो एनएमएस 2022 तुम सब वीडियो गुड़िक मिल जाए ये जनरल साइंस वीडियो अच्छी तेज़ सोशल साइंस मैथ है मेंटल एबिलिटी टेस्ट बट आमर आज पर्यटन विज्ञान एवं सामाजिक जहाँ भी किसी क्लास है से गुड़िया तुम्हें ये देखिपर वीडियो गुड़िया सब स्टोर अच्छे तुम्हें देखिपर बुझ चल बिल्कुल डेरी करवानी स्टार्ट करवा बल और चापर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सब पाने रेडी हो जाओ प्रश्न उत्तर देवाई प्रथम प्रश्न तुम सामने अच्छे प्रश्न हूँ स्प्रिंग तराजु रे कौन मपा जाए स्प्रिंग तराजु जहाँ कह जाए स्प्रिंग बैलेंस एटे कौन मपा जाए वस्तुर वस्तुत्व वस्तुर ओजन वस्तुर आयतन वस्तुर घनत्व ठीक आंसर कौन हम स्प्रिंग तराजु रे कौन मपा जाए जल्दी जल्दी आंसर दि समस्ते स्प्रिंग तराजु रे कौन मपा जाए आंसर कौन हम स्प्रिंग तराजु रे वस्तुर ओजन मपा जाए तुम्हें केते के जी अच्छा छोट छोट पिला मानको स्प्रिंग तराजु रे मपा जाए तासो सामग्री गुड़िक कारखाना सब किसी स्प्रिंग तराजु रे मपा जाए तमाने से मानको ओजन मपा जाए तुम्हें कह सर वस्तु तो कौन वस्तु तो अलग मानते वस्तु तो एक्चुअली से जो वस्तु भितर केते पदार्थ अच्छी जोड़ा कि पृथ्वी जीतिकी चंद्र जीतिक सब से वस्तुत्व कि ओजन अलग ओजन पृथ्वी ओजन बोली कहुए बुझला तो स्प्रिंग तराजु रे कौन मपा जाए जेकोसी वस्तुर ओजन मपा जाए वस्तु तो विषय पर पढ़ आगू केवल मन रखे ओजन ओजन तो समस्त जानचो ना ये ओजन टा स्प्रिंग तराजु मपा जाए मन रहा जी दुई नंबर को दुई नंबर प्रश्न महाकर्षण बलर नियम क्यों वैज्ञानिक आविष्कार करते क्यों वैज्ञानिक महाकर्षण बलर नियम आविष्कार करते आंसर कौन हम रदरफोर्ड मेंडेलीव न्यूटन डार्विन कौन हम आंसर आंसर हम ऑप्शन सी न्यूटन ना सार आइजाक न्यूटन से महाकर्षण बल आविष्कार करते किपर कर जान चना दिने से गोटे गच्छ तले बसिक सेव खाऊ सरी बसी तो गच्छर गोटे सेव पड़ा गोटे एप्पल गोटे गच्छर पड़ा तो ये तो बड़ वैज्ञानिक लोक वैज्ञानिक मैंने सब दिन चेस्टा कर गोटे जिनस हो जी कहीं होगा किपर हो विषय से चेस्टा करेंगे तुमने के आज पर्यटन भाव नपुर गोटे जिनस बोले तुम भावन के हाँ पढ़ुच तो पढ़ुच एमती करूटन जो वैज्ञानिक ना तो से चेस्टा कले जदि ये पढ़ला से गुड़ा त
तले कहीं पड़ा उपरू तो जीवा कथा ना से सेव तो तले कहीं पड़ा से उपर भी जापारा कि तले कहीं पड़ा केवल सेव ना आम जो गुड़ी उपरू फिंग जहाँ फिंग तले पड़ी तो न्यूटन प्रश्न कले कहीं होने जमी चुंबक गोटे ये अच्छी ये लुहा लुहाटा तो पाख ना कौन चुंबक लुहा को पूरा टाण दब पाखक तेणु चुंबक गोटे बल अच्छी चुंबक कौन कर लुहा टाण दूसरी ठीक सेमती आम पृथ्वीर बोध किसी गोटे बल अच्छे खाली पृथ्वी ना सब जार वस्तु तो से किसी ना कि गोटे बल अच्छे और से बल को सी कौन बोली कहे महाकर्षण बल तेणु महाकर्षण बल किए आविष्कार करते न्यूटन बुझिपाल समस्ते न्यूटन महाकर्षण बल आविष्कार करते किपर आविष्कार करते तो मुझे कहली थे बस पे गोटे गच तले से गच तले से तले पड़ा से कहे से तले कहीं पड़ा तो मैंने पृथ्वीर कि गोटे शक्ति अच्छे है जो माध्यकर्षण शक्ति महाकर्षण शक्ति एम से गैस ताको देखिकी से ना देते कौन यहाँ हूँ गोटे माध्यकर्षण शक्ति आ सब जहाँ वस्तु भितर जो शक्ति अच्छे हूँ महाकर्षण शक्ति बुझिपाल तेणु कौन ना महाकर्षण बल हो माध्यकर्षण बल किए आविष्कार करते तुम्हें कह न्यूटन करते ऑप्शन सी हम ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी भूल लगालगी दुईट पृष्ठ मध्य आपेक्षिक गति ही घर्षण कारण घर्षण बल एक अस्पर्श बल कारक वस्तु मध्य स्पर्श नी से मध्य अंतक्रिया घटिपा जेकोसी संस्पर्श बल जहाँ द्वारा प्रयोग कर जाए उक्त बल कारक कहती भाविक कह मुझे टाइम दौर भाविक कह तुम पढ़ीच तुम्हें कौन आंसर आंसर हम ऑप्शन बी बी हूँ भूल आंसर माने घर्षण बल एक असंस्पर्श बल यहाँ हूँ भूल आंसर बुझिपाल ना कहीं घर्षण मान कौन दुईट पृष्ठ लगालगी हेल्ले गति कले से घर्षण हो ते लगिक अच्छा ना जो लगिक अच्छा परस्पर को स्पर्श करूँ जो स्पर्श करता आम संस्पर्श कह असंस्पर्श नुह ये घर्षण असंस्पर्श बोली से आमर भूल है बुझल ये टेबुल अच्छी डस्टर अच्छी से लगिक अच्छी बोली से डस्टर घुसले घर्षण बड़ कम कर लगे ना तो घर्षण ना बुझना तेणु जदि वस्तु द्वारा परस्पर को लगे घर्षण कम कर घर्षण हूँ गोटे संस्पर्श बल असंस्पर्श नुह तेणु ये ऑप्शन बी हो भूल आंसर। नेक्स्ट केउटी संस्पर्श बल नुहे संस्पर्श नुहे मैंने न छुईले मत से बल प्रयोग होटा ठेला बल टणा बल घर्षण बल चुंबकीय बल ठीक आंसर कौन हम ठेला बल टणा बल घर्षण बल चुंबकीय बल यस सब ठीक आंसर देच आंसर हम कौन ऑप्शन डी चुंबकीय बल हूँ गोटे प्रकार असंस्पर्श बल क्या ठेला बल तुम कौन ठेलुच ठेली से आगे जाऊ हाथ लगोच ना तुम टणा बल भी गोटे जिन झिकी आणुच हाथ लगोच घर्षण मध्य परस्पर से दीजा वस्तु परस्पर को लगुं तो चुंबकीय बल गुड़ा कौन न लगे भी से झिकी दब ये लुहा अच्छी गोटे तो पाखे चुंबक न दूर रखा न लगे भी से कौन कर चुंबक झिकीद झिकिबना तो मैंने कौन चुंबक बल बिना टच करी न टच कले भी झिकीद से चुंबक हूँ गोटे असंस्पर्श बल संस्पर्श बल नुहे ऑप्शन डी हो ठीक आंसर। परवर्ती प्रश्न केउटी अन्य मानक भिन्न घर्षण बल चुंबकीय बल स्थिर विद्युत बल महाकर्षण बल एम भितर किए सब भिन्न अटे कौन आंसर यस बहुत बढ़िया ठीक आंसर दीच आंसर हम ऑप्शन ए माने घर्षण बल समस्त गोटे भिन्न कहीं भिन्न क्या घर्षण बल हूँ गोटे संस्पर्श बल दुईट पृष्ठ परस्पर को लगाली गले लगे रही सी घर्षण बल कम कर चुंबकीय बल कौन असंस्पर्श न छुईक चुंबक जुलाक झिकी दे स्थिर विद्युत बल ये गोटे प्रकार असंस्पर्श बल स्थिर विद्युत बल कौन जान तुम पेन को कौन कर गोटे कपड़े घस तले कागज खंड थी से उपरको पेनटानी रखे है तुम बाड़े घस कागज को टेक चेस्ट करगज अटोमेटिक उठी पकेब तो न छिले भी कागज उपर आसी जाएगा आ गए महाकर्षण बल महाकर्षण बल कौन जमी तुमको कहली गचर सेव पड़ा से पूरा उपर अच्छी से छिंडले गच पृथ्वी टाण दूसरे तल को बुझल ना तेणु ये गोटे असंस्पर्श कहना पृथ्वीर मटी गच को लगे कौन छिकुची कि फल को लगे झिकुची ना पूरा दूर छेले भी से फल छिंडला मैंने पृथ्वी पड़ी पृथ्वी झिकी दूसरी तुम उपरू उठेले मत कौन तुम तलू का पड़ो तुम पृथ्वी झिकी दूसरी बुझल से ये सब असंस्पर्श बल केवल घर्षण हो संस्पर्श से घर्षण बल एम अलग धनु गुण चढ़ाया बेले प्रयुक्त होता बल के प्रकार बलर उदाहरण धनु गुण चढ़ाया बेले जो तुम कौन कर धनुटार ठीक रस लगो तुम
ଜୋରେ ଝିକି ଲଗାଉଛ ନା, ତ ଝିକିକି ତମେ ଲଗାଉଛ ସେ ସୂତାଟା ବାନ୍ଧୁଛ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ସଂସ୍ପର୍ଶ, ମାଂସପେଶୀ ଓ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମାନେ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ସେଠି ତମେ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ, ତମର ମାଂସପେଶୀ ଯାହା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି କାମ କରୁଛି, ତମର ଯେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମାଂସପେଶୀ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତମର ଯେତେ କାମ କରିବ ତମେ ସେତେ ଜୋର ଝିକି ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରୁଛ ନା, ତ ଏଠି ତମର ମାଂସପେଶୀ କାମ କରିବ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବଳ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ବା ପେଶୀୟ ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାତ ନମ୍ବର, ଏ ଓ ଟୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଫ୍ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ଚାପର ଅନୁପାତ କେତେ? ଚାପର ଅନୁପାତ କେତେ କୁହ, କ'ଣ କହିଛି? ଏ ଓ ଟୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଫ୍ ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟୁ ଏ, ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଏଫ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଆ ଉପରେ ଏଫ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ଆ ଉପରେ ବି ଏଫ୍ର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ଚାପର ଅନୁପାତ କେତେ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ, କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଚାପର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ କିଏ କହିପାରିବରେ? ଚାପ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା ଟୁ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସାର୍ କିପରି ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ, ଚାଲ ବୁଝିବା ଏବେ। ଦେଖ ଚାପର ସୂତ୍ର କ'ଣ ତମକୁ କହୁଛି, ଦେଖ ଯିଏ ଯିଏ ବଳ ଚାପ ପଡ଼ିନ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିଦେବି। ଚାପର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ, ମାନେ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବୁଝିଲ? ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଚାପ। ତ ପ୍ରଥମ ଚାପ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ, ପ୍ରଥମ ଆମେ ବଳକୁ ଏଫ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଫ୍ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଏ, ହେଲେ ସେ ଅନୁପାତ କହିଛନ୍ତି ଏଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଚାପ, ଏତି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଚାପ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାପ ତାକୁ ହରଣ କରିଦିଅ, ସେ ଅନୁପାତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚାପ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ ତାହେଲେ ହରଣ କରିଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ସେଇ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହେଲେ ବଳ ହେଉଛି କେତେ ଏଫ୍, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଳକୁ ଟୁ ଏ ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ ଏ ବାଇ ଟୁ ଏ କର କଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ? ଏବେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚାପ କିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହରଣ କଲୁ ତାକୁ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ତାହେଲେ ତଳ ଭଗ୍ନାଂଶଟା କ'ଣ ଓଲ୍ଟି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ତ ନାକୁ ମିଠୁ କାଟିଦେଲେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ ବାଇ ଟୁ ଥିଲେ ନା, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଏଠି ଆମର ଟୁ ଏ ବାଇ ଏଫ୍ ହେଇଯିବ, ଟୁ ଏ ବାଇ ଏଫ୍ ହେବ ନା, ହେବ ଟୁ ଏ ବାଇ ଏଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଫ୍କୁ ଏଫ୍ କଟିବ, ଏକୁ ଏ କଟିବ, ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଉପରେ ହେଲା ଟୁ, ତଳେ କ'ଣ କିଛି ନା ସଜା କଟେଇଛି ନା, କିଛି ନା ମାନେ ଏ କରିବ ବା ଟୁ ବାଇ ୱାନ୍, ତ ଟୁ ବାଇ ୱାନ୍ ତାକୁ ଅନୁପାତ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟୁ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବା ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ, ହେଲେ ଏପରି ଆନ୍ସର୍ କରାଯାଏ। ଖାଲି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ପିଲା ବୁଝିନଥିବେ, ପୁଣି ବୁଝୁଛି। ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ଚାପ କେତେ ଆସିଲା, ଏଫ୍ ବାଇ ଟୁ ଏ ଆସିଲା, ସରି ଏଫ୍ ବାଇ ଏ, କାରଣ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ନା, ତ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ କେତେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ ହେଉଛି ଏଫ୍ ବାଇ ଟୁ ଏ, ଚାପର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାକୁ ହରଣ କରିଦେଲେ, ହରଣ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଶ ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଶ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଏ ଭଗ୍ନାଶଟା କ'ଣ ଓଲ୍ଟି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଫ୍ ବାଇ ଟୁ ଏ କାଟିଦିଅ, ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟୁ ଏ ବାଇ ଏଫ୍ ହେବ, ଟୁ ଏ ବାଇ ଏଫ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କଟିବ, ଦେବ ଏଠି ତଳେ ଏଫ୍ ଅଛି, ଏଠି ଉପରେ ଏଫ୍ ଅଛି, କଟିଲା ଏ ଏକ ଏ କଟିଲା, ଆଉ ଉପରେ କେବଳ ଟୁ ରହିଲା, ଏ ଟୁଟା ଅଛି ନା, ଟୁ ରହିବ ତଳେ କିଛି ନେବ ମାନେ ୱାନ୍ ରହିବ, ତ ଟୁ ବାଇ ୱାନ୍ ତାମାନେ ଟୁ ଇଜ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଏକ ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ସମପରିମାଣ ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ। ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଦୁଇଆଡ଼ୁ ହେଉଛି ମାନେ ଏପଟ ହେଉଛି ଏପଟ ହେଉଛି, ସମପରିମାଣର ବଳ ତାମାନେ ଏ ବଳ ଯେତିକି ଏ ବଳ ବି ସେତିକି ହେଲା, ବଳ ବିଲକୁଲ ଆଗ ନାହିଁ କି ପଛ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଳ ଡେସ୍ ହେବ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ସମପରିମାଣର ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବଳ, ଏଠି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ଆପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ମାନେ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଜିରୋ ହେବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୁହା ବକ୍ସ ଅଛି, ତମେ ଏପଟେ ପେଳୁଛ ଏପଟେ ପେଳୁଛ, ସେ ବକ୍ସ ଘୁଞ୍ଚିବ କି ଆଉ, ସେ ଘୁଞ୍ଚିବନି, ସେ ବକ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିବନି, ତେଣୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଲା, କାରଣ ଏପଟେ ତମେ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ଏପଟେ ସେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ, ଇଆଡ଼େ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କରୁଛ, ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି ନା, ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁ ଘୁଞ୍ଚୁନି ତାମାନେ ସେଠି ବଳ ହେଉଛି ଜିରୋ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏପଟ ସମାନ କଲ ଏପଟ ସମାନ କଲ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ମନେ ରଖ ଦୁଇଟି ସମାନ ପରିମାଣର ବଳ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସିଲେ ସେଠି ତମର ମୋଟ ବଳ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ ବଳ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ
गोटे दिगर जदि प्लग होउछि ताले सेठी कोन हबो सेठी 2f होइजिवो जदि गोटे दिगरे बल प्रयोग ताले सेठी कोन 2f होइजिवो अर्थात कोन बॉक्स एमिति होछि रे तमे रहि एठी ताव बॉक्स उठेलु छ तमे सांगा से डिटेलला मन 2000 बडो से एफ तमर एफ तमे सांगर एफ ताले से बस त आरे स्पीड रे जिवो त बल केते जो मोट एफ मिसे त 2f होइजिवो बुझिलो सेते 2f होइजिवो किते विपरीत दिगर आछि ताले सेठी 0 होइजिवो विपरीत दिगर समान परिमाण बल होछ ना त 0 होइजिवो ऑप्शन ए हबो ठीक आंसर फुसफुस और हृत्पिंड कार्य क्यों बल आवश्यक फुसफुस और हृत्पिंड मान कहीं जो कम हो शर भितर दगदग हो फुसफुस तो कम कर बल होती ए बी सी चार ऑप्शन अच्छे ठीक आंसर हम ऑप्शन डी मांसपेशी बल ये सब मांसपेशी बल आकार से आगु पचु संकोचित हो प्रसारित होती है गैस गुड़े नौ रक्त संचालन कर सब कम कामर मंस गुड़ सब कर मांसपेशी बल रही उदाहरण 10 नंबर जेकोसी संस्पर्श बल जहाद्वारा प्रयोग करा जाए ताको उक्त बल कौन कहते संस्पर्श बल जहाद्वारा प्रयोग करा जाउछि हैला जहाद्वारा संस्पर्श बल प्रयोग करा जाउछि ताको उक्त बल कौन कहा जाए कारक प्रयोग बिंदु संवेग चाप ठीक आंसर कौन हम ठीक आंसर ऑप्शन ए माने कारक मन रख बल जहाद्वारा प्रयोग कर जाए ना ताको कारक बोली कह जाए ठीक अच्छे ये गोटे वस्तु अच्छे तुम्हें ठेलु तमें तुम्हें हूँ से वस्तुपाई कारक गोटे ये जो बल प्रयोग होना से बल कारक कि तुम्हें ठेलु ना तेनाली तुम्हें हूँ कारक तार मैंने जो बल आसू जी बल प्रयोग कर सी जो तार गोटे गोटे कारक ये समस्त मन रखित बुझल ना रिपीट कर मन रख जी पाठ पढ़ना से मानकर भी रिविजन हो मानने जहाद्वारा बल प्रयोग करा जाए जहाद्वारा प्रयोग होती बल कौन बोली कह कारक बोली कह कारक इंग्लिश रे फैक्टर नेक्स्ट भूपृष्ठ रु प्राय केते किमी ऊर्ध पर्यंत वायुमंडल रही भूपृष्ठ रु प्राय केते किलोमीटर ऊर्ध पर्यंत वायुमंडल रही आंसर कौन हम ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर उच्च पर्यंत वायुमंडल रही ठीक अच्छे तो पे ये मुझे स्टॉप कर आम कोर्स विषय में कहीदे माई क्लासरूम आप्लिकेसन समस्त जाथ जीव प्ले स्टोर इनस्टल कर से माई क्लासरूम आप्लिकेसन मुझ तुमको NMSC 2022 कोर्स आनीमएस 2022 ठीक अच्छे तो कोर्स दीपावली ठार क्लास आरंभ हो दीपावली अर्थात अक्टोबर 24 तारीख ठीक क्लास होटा गोटे पेड कोर्स प्राइस रही के 499 टाँचा तेना जो मैंने भी से कोर्स जॉइन करा चाहे ये 499 पे करके से कोर्स जॉइन कर पार से प्रत्येक दिन तुम मानकर लाइव क्लास रोचे पाखापाखि देढ़ घंटा होबे घंटे 20 मिनट मैंने घंटे पर तुम क्लास हो गोटे घंटे के कम समय धरी क्लास होनी ठीक अच्छे तो फास्ट कहता डेली इंटराक्टिव लाइव क्लास रोच मैंने जो भी तुम सब डिस्कसन करठ पढ़ाऊँ बहुत गुड़ी पिला जॉइन कर लाइव देखु इन भितर भी बहुत गुड़ी पिला जॉइन कर बुझिपार्च किए जॉइन कर ये लिखीदेल बहुत पिला जॉइन कर देख बहुत गुड़े ईएस मत आस बहुत पिलाटी आउ माइ क्लास मैं NMSC कोर्स जॉइन कर तो सीटी मुझे डिस्कसन कर पाला पढ़ाऊँ आउ तुम से कौन पढ़ जाऊँ ना मोर पेपर वन अच्छे मैट मानने मेन्टाल एबिलिटी टेस्ट तास पेपर टू रो कौन सैट्र केवल गणित पढ़ा जाऊला बर्तमान मेट्र चली क्लास मेट्र सिलेबस बहुत जल्दी मुझे कम्प्लीट कालापर पुणी सेट पढ़े सेट्र गणित पढ़े तो यहाँ अच्छे फास्ट कथा लाइव क्लास एगुड़क सब सर पूरा कहीं यूट्यूब तुमको केवल आम जनरल साइंस और सोशल साइंस पढ़ा NMSC पाई बाकी से दिन कौट पढ़ा माइ क्लास से NMSC कोर्स सेकेंड हूँ आमर सब PDF दिया जो दिन जो क्लास हम प्राक्ट से गुड़िक PDF गुड़िक प्रोवाइड कराऊँगी थर्ड हूँ तुमको होमवर्क दिया डेली 5 10 लेखे होमवर्क क्वेश्चन दि जाए पे प्राक्ट कर नेक्स्ट डे तार सल्यूशन भी दि जाए नेक्स्ट नंबर 4 हूँ वीकली टेस्ट मानने प्रति रविवार दिन तुम से परीक्षा देव एव्री संडे तुमको 20 मार्क्स एग्जाम हम से एग्जाम तुम अटेंड कर जी भी तुम भितर टॉप 5 रथम 5 जन पिला जी भल मार्क रख तुमको आम नेम फोटो आड्रेस है यह सब किसी आम यूट्यूब चैनल अपलोड करवा तुम फोटो आसव तुम नेम आसव कौ जिले में बिलंग कर सब मैंने टॉप 5 पिला आकार यूट्यूब चैनल फोटो लगे बुझिपार देन तुम फुल लेंथ में टेस्ट हे गोटे मैंने एग्जाम जमी तुम 100 मार्क परीक्षा देव ठीक से परीक्षा
आमर डिसेम्बर 1 2 1 किंवा 2 तारिखर गोटे फुल लेंथ टेस्ट हे क्या पूर्व डिसेम्बर सुधा आम कोर्स पर कम्प्लीट हो कोर्स कम्प्लीट हो रिविजन सर जाइए एत स्पीड से क्लास होके okay. तो यह सब बेनिफिट तुमको से कोर्स रे जॉइन करने को पड़ो माइ क्लास रूम आप्लिकेसन इनस्टल कर इनस्टल करके एन एम एस कोर्स अच्छे से जॉइन करपर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे कोर्स विषय में देखिक समस्ते जॉइन करपर ठीक अच्छे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी एवं परवर्त प्रश्न देख 0 डिग्री सेलसीयस तापमात्रा रे एक वर्ग सेमी स्थान उपरे पड़ुता वायुर बल केते किग्रा ओजन सह समान 0 डिग्री तापमात्रा रे हला माने 0 डिग्री तापमात्रा रे एक वर्ग सेमी स्थान उपरे पड़ुता वायुर बल केते किग्रा ओजन सहित समान आंसर कौन हम किए कही पार जल्दी कह आंसर हम ऑप्शन बी माने एक किग्रा ओजन सहित सामान होटा बुझ एक वर्ग सेमी मान कौन एपट गोटे सेमी एपट गोटे सेमी तो वर्ग चित्र कर दि जो वर्ग चित्र प्रति भाग होते एक सेमी जो परिमाण जो वायुमंडल अच्छी से वायुताप नि ओजन पकाऊ ना से ये क्षेत्रफल तो जीक ओजन पकेब से ओजन क्या सह सामान ना से एक किग्रा ओजन सहित सामान बोली कही एक वर्ग सेमी एक किग्रा ओजन सहित सामान हम बुझल ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ मन रखे समस्ते एक वर्ग सेमी स्थान अच्छे मैंने से ओजन के एक किग्रा कूर पा काड़ा बेले क्यों बल सा कै कूर तुम जो पा बाहर करों बल से कम लगुच टणा बल ठेला बल माध्याकर्षण बल ना घर्षण बल ठीक आंसर कौन हम कूर पा काड़ा बेले क्यों बल सा कै टणा बल ठेला बल माध्याकर्षण बल घर्षण बल ठीक आंसर हम टणा बल कूर पा तुम टाणिकी काड़ ना कू एम अच्छे ये मन मठिया बुड़ ले तुम्हें दौड़े जिकुच जिकुच मैंने कौन तुम टमाटो टाण चुप रुसी उठी जाऊँ ना कि तो ये कौन गोटे टणा बल तो आंसर हम ऑप्शन ए ठीक अच्छे। ताप देख एक चार्जित वस्तु और अचार्जित वस्तु मध्य के बल रही है एवं टी स्पीड धरवा है अलरेडी आम के समय है एपर्त 22 मिनट हो गलाना तो आम स्पीड धरिया 45 प्रश्न सारे मुझे चेस्टा करी 35 मिनट भितर क्लास कम्प्लीट करने ओके। तो देख आउ थ कौन मैं चार्जित वस्तु और अचार्जित वस्तु मध्य क्यों प्रकार बल रोक कहुए कौन देख आसंजन बल अच्छे मांसपेशी अच्छे आकर्षण अच्छे विकर्षण अच्छे तो ठीक आंसर कौन हम आंसर कौन हम अठी आम 14 नंबर आंसर हम ऑप्शन सी आकर्षण बल गोटे चार्जित वस्तु और अचार्जित वस्तु से कौन कर परिसर को आकर्षण करदेव जमी तुम्हें जो पेन को मुंड बाड़ घेसब घेसिक कौन कर तले किसी कागज को नीब ताक उठेबा चेस्टा कर तो से गोटे आकर्षण हो सब जगह उपर पल आस गोटे कौन आकर्षण बल ये पेन चार्ज हो कागज जगह चार्ज नहीं तो से टेक दूसरी तथा तो ये कौन गोटे आकर्षण बल ऑप्शन सी हो ठीक आंसर। बस्ता भर्ती धान लदा जाता शगड़ को क्यों बल प्रयोग कर गतिशील कराए बस्ता भर्ती धान लदाई जाता शगड़ को क्यों बल प्रयोग कर टणा जाए आंसर मांसपेशी बल ये कार मांसपेशी बल कम कर बलदर शगड़ को जो बलद मान टाणुंट ना से बलद गुड़िक कौन करते निजर मांसपेशी खटा बहुत बल प्रयोग कर झिकुच तेणु ये मांसपेशी बल उदाहरण हम तो मांसपेशी नई देता चुंबकीय बल तुम कौन करता तो टणा बल को देता कहीं बलद टाणुची बुझल ना तो टणा बल मांसपेशी दुई जगह अच्छे तो मांसपेशी को ठीक कर आदि मांसपेशी बदले कौन देता मन चुंबकीय बल कि विद्युत बल देता से तुम कौन क्लिक करता था टणा बल क्लिक करते कहीं बलद शगड़ को टाणे एवं टणा बल होता गोटा ठीक मोस्ट एक्यूरेट आंसर होती मांसपेशी बल। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को एक चुंबक उत्तर मेरु अन्य एक चुंबक उत्तर मेरु मध्य क्यों बल थाए यहाँ कौन हम आंसर आकर्षण विकर्षण माध्याकर्षण टणा बल ठीक आंसर हम विकर्षण ऑप्शन बी हम ठीक आंसर। मन रख सम मेरु बा समान मेरु है समान मेरु प्रश्न कौन करते विकर्षण करते कौन करते विकर्षण जो असमान थी असम मेरु सी प्रश्न कौन कर आकर्षण कर आकर्षण तो अर्थ कौन बुझ कि चुंबक आमर दुटा पोल अच्छे गोटे नर्थ अच्छे गोटे साउथ अच्छी गोटे उत्तर पोल दक्षिण पोल तो देख जदि तुम कौन कर नर्थ अच्छे है नर्थ एपट तार साउथ आर एपट नर्थ अच्छे एपटा साउथ है तो देख दुटा नर्थ नर्थ मानने गोटे प्रकार कौ उत्तर मेरु जो पाख लगे से चुंबक कौन ये इड़े पल आस सियाड़े पलि बुझल ना जदि उत्तर मेरु आम कौन रखिए मन कर द्वितीय चुंबकटा दक्षिण मेरु होगा उत्तर मेरु मानने आर उत्तर मेरु पाखे दक्षिण मेरु है दुटा कौन असम मेरु हेल्ला मैंने कौन से परस्पर को आकर्षण करेंगे इड़े जब इड़े आस परस्पर पूरा परस्पर सब मिसापी चेस्टा करेंगे
ଯଦି ସମାନ ମେରୁ ଥିବ ମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପାଖରେ ରଖିବ ନହେଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ବୁଝିଲ? ତ ଗୋଟେ ସମାନ ମେରୁ ହେଇଗଲ ନା, କହିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଆଉ ଚମକ ଉତ୍ତର ମେରୁକା, ତ ସମାନ ମେରୁ ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ବିକର୍ଷଣ କରିବ। ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଏଇଟା, କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଚାପ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ମାନେ ଚାପ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। କାହିଁକିନା ଚାପର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଚାପର ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ, ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହେଲା। ତ କ'ଣ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଯେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି। ଚାପ ପି ଓ ବଳ ଏଫ୍ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ହେଲେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଟେ? ଚାପକୁ ପି ଲେଖା ହେଲା, ବଳକୁ ଏଫ୍ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଏ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଚାପ ମାନେ ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ବଳ, ବଳ ମାନେ ଏଫ୍ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ଏ। ତ ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ, ଇଏ ହବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ କେଉଁଠି ଅଛି କି, କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତଳେ ହରା ହେଇଛି ନା, ଏପଟେ ହରଣ ହେଇଛି, ସେପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ସି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦେଇପାରିବା, ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କହିଲ ନା, ପି ଏ ଇଜିକଲ ଟୁ ଆଉ କେବଳ କ'ଣ ଏଫ୍ ଖାଲି ରହିବ, ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ଏଫ୍ ହବ, ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ଏଫ୍ ହେବ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଫ୍ ଇଜିକଲ ଟୁ ପି ଏ, ହେଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଫ୍ ଇଜିକଲ ଟୁ ପି ଏ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ରେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଏଇଟା ହରା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଏଇଟାକୁ ହରଣ କାଢ଼ିକି ଏପଟେ ପି ସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ହେଲା। ତ ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ଏଫ୍ ଜଣେ ଏଠି ଅଛି ଏଫ୍ ଇଜିକଲ ପି ଏ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ପୂରଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟିକେ ତଳେ, ଚାପ କୁହାଯାଏ, ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତାପରେ ଦେଖ, ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ପରିମାଣ ଏତିକି, ଏଇଟା କ'ଣ, ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥାନ ଦେଲ ନା, ତ ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା 3 m² ଆଉ ବଳ କେତେ 150 N, ହେଲେ ଚାପ କେତେ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର, କର 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 ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ୍ ଆନ୍ସର କରିକି ଚାଲ, ଚାପ କେତେ ହବ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଠି। ଚାପର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା, ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହେଲେ ବଳ କେତେ 150 N ବଳ, ହେଲା, 150 N ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, 150 N କର, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 3 m², ତ ବାଇ 3 m² କର, କଲେ କ'ଣ ଆମର କଟାକଟି କରିଦେଲି ଯେ କାଠ, 3 × 150 କାଟିଲେ କ'ଣ ହବ, 3×5=15, 3×0=50, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିଲା, 50 N/m² ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ସି, ହେଲା। ବା ତଳେ ଯଦି କହୁଛ ନା ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ଆକୁ ପୁରୁଣା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଯଦି କାଟିଦେବ, ହରଣ ଅଛି ନା, ଉପରେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତା ଘାତ -2 ହେଇଯିବ, ତା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା, 50 ରହିଲା, ଆଉ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଘାତ -2, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। 50 ଆସିଲା ନା, ତ ଅପସନ୍ ସି ଲେଖିଦେବ ଭଲ, ଆଉ ବଳ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଚାପ, ସେ ପଛକୁ 3 ଗଲେ 50 ଆସିଲା, ତ 50 ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ। ମନେ ରଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରାୟ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ମହାକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ମହାକର୍ଷଣ କ'ଣ ନା, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି ତାକୁ ମହାକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ମହାକର୍ଷଣ। ଏବଂ ସେ ମହାକର୍ଷଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହେଲା, ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମହାକର୍ଷଣ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କଥା ବଳ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ କହିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ହେଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଅପସନ୍ ଦେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏସ୍ଆଇ ପଦ୍ଧତିରେ ବଳର ଏକକ କ'ଣ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଜୁଲ ଅର୍ଗ ନ୍ୟୁଟନ ଡାଇନ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଅପସନ୍ ସି ହବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବଳର ଏକକ ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ, ନ୍ୟୁଟନ, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଏନ୍ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ କିଏ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ହେଲା, କ'ଣ ବେଟା, ନ୍ୟୁଟନ ହବ, ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ଉପରେ ଏ ଠାରୁ 3F ବଳ ଓ ବି ଠାରୁ 5F ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି କେଉଁ ବଳରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ନେବିର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିତ, ମନେ ଏଠି ଏ ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ମଝିରେ ମନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଏ ଠାରୁ 3F, ହେଲା, ମାନେ ଏଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆମ 3F ଆସିଲା ବଳ କେତେ, 3F, ଆଉ ବିଠୁ କେତେ ଆସିଲା, 5F ଆସିଲା, 5F ଆସିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ହେଲେ ବସ୍ତୁରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଯେପଟେ ଅଧିକ ବଳ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ବି ଆଡ଼ୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ନା, ଇଆଡ଼େ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଇଆଡ଼େ ଗତି କରିବ, ମାନେ ସେପଟେ ଏ ଆଡ଼ୁ ଯିବ, କାରଣ ଅଧିକ ବଳ ବିର, ବି ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଠେଲୁଛି, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ରେ ଏ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ନା, ଏଠି ଅଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏ ଆଡ଼ୁ ଗତି କରିବ, କାହିଁକିନା
ए रो कम बल बी रधिक बल अच्छी बी रो पाँच एफ ए रो थ्री एफ से वस्तु कौट जीव वस्तुर ए आड़क गति कर आते परिमाण गति कर जानव कह ना मन रख गोटे जिनस कह मन रख यदि सम दिगरे मानते गोटे दिग्वर बल आसव तो सीट मिशा हे यदि विपरीत दिग्वर बल प्रयोग हम तो सीट तुम कौन कर फेड़देव बुझ ल गोटे दिग्वे बल प्रयोग कल तुम मिसेदेव जदि गोटे दिग्वर पाँच से दिग्वर का तीन होता है मानते तुम्हें कौन करता तो मिसी देता तो पाँच तीन कर आठ कर देता कि कौन हो अलग अलग एपटे केपटे पाँच एफ एपटे तीन मानते अलग अलग दिग्वर बल प्रयोग होपरीत दिग्वर होती तुम्हें फेड़देव बड़ सामने फेड़देव पाँच तीन कौन दुई हे तेणु से वस्तु कौन हम ना ए दिग्वे गति कर आत बलर टू एफ बल जीव है एमती कर तो आंसर कौन ए दिग्वे तमें कौन बी टू आसला ना जो कौन बी बोली कह तो बी दिग्वे गति कर सी मैंने गोटे लिखा कह दिग्वे टू एफ बल जीव बुझे समस्ते कौन हम बी दिग्वे टू एफ बल्ट गति करें पुणी कौन ये ए अच्छी ये बी अच्छी एमती रेखा अच्छे ये वस्तुटा अच्छी तो ये आसला पाँच एफ आड़ आसला तीन एफ ताल कौन वस्तु तो निहत बी दिग्वे गति करना कहीं बी रधिक बल ना तो वस्तु ठेलिक आसव एमती आसव तो बी दिग्वे गति गला आते पर्यटन गति कर जब विपरीत दिग्वे बल प्रयोग हो तुम सी कौन कर फेड़देव गोटे दिग्वे मिसेब विपरीत दिग्वे फेड़ तो पाँच तीन पाँच तीन फेड़े कौन दुई रोक तो आंसर कौन बी दिग्वे टू बल से गति कर किए एक सदृश राशि किए एक सदृश राशि वस्तुत्व कार्य शक्ति बल सदृश किए सदृश मान जार दिग अच्छे से सदृश अदृश्य मान जार दिग ना ये कार दिग जानच ना आंसर कौन हम बल है कहीं बल जेकोसी निर्दिष्ट दिग्वे गति कर तुम्हें जेपटे बल प्रयोग कर सियाड़े गति कर बल जो दिग्वे प्रयोग कर सरी बल है मैंने बल तुम गति प्रयोग कर गोटे दिग्वे आजा ना सी कौन मन इच्छा पड़े जमीन आम कहे किपट बड़ प्रयोग कलेपट बड़ प्रयोग कला तो दिग्वे जाना पड़ेगा मुझे एपटे थ्री एफ एपटे फाइव एफ तुम कौन देखे सी इे गति कला तेनाली बल प्रयोग कले गोटे दिग्ग पड़ा आसमु गोटे दिग जना पड़ जाए से बलर गोटे दिग अच्छे तो बल हूँ गोटे सदृश राशि तापर किए एक अदृश्य राशि मैं जार किसी दिग ना देख बलर तो दिग अच्छी बल हम गोटे सदृश है तोरण मध्यम सदृश हो ठीक अच्छे मदन सदृश होदम पर पड़ो कि मन रख वस्तुत्व वस्तुत्व अदृश्य राशि कहीं वस्तुत्व कौन सी भी दिग ना वस्तु मैंने कौन केवल ओजन डाइटा है ओजन तो होगा आर्दिक कौन कि कुआडे जीव कौन भाव कि ना ओजन हो मैंने किसी कुआ जावा कि ना गोटे जगह आस रही है तेणु वस्तुत्व किसी दिग ना तेणु ये गोटे अदृश्य राशि बुझल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंकि संस्पर्श बल चुंबकीय बल स्थिर विद्युत बल महाकर्षण बल घर्षण बल सहज प्रश्न आंसर ही ऑप्शन डी संस्पर्श बल हो घर्षण बल क्योंकि असंस्पर्श बल ठेला बल तुम स्पर्श करणारे भी स्पर्श कर घर्षण स्पर्श कर ना कौटे चुंबकीय ना तो चुंबकीय गोटे असंस्पर्श बल कहीं चुंबक न छुले मत झिकी दूसरी सी असंस्पर्श बल चुंबकीयटा देख टू ए वर्ग मीटर क्षेत्रफल टू ए न्यूटन बल प्रयोग है तार चापर परिमाण के ये ना ये भूल दे टू एन हम है मिस्टेक स्मॉल एन कर टू ए क्षेत्रफल टू एन बल तेल चाप के हम चाप्र सूत्र हो बल बै क्षेत्रफल बल है टू एन क्षेत्रफल के टू ए तो टू टू कट आउन देव खाली वन रोक है वन न्यूटन बै ए रन एन बै ए सरी ए कौन वर्ग मीटर बोली कह वर्ग मीटर मान कौन रे कह मत वर्ग मीटर मान कौन पुणि थे मुझे कौन एटा ए ठीक अच्छे तापर न्यूटन देखे मुझे न्यूटन देखी नी एक्चुअली प्रश्न पूरा ठीक अच्छे कि गोटे भूल गोटे जानते ना ऑप्शन बी ना कि से कौन देवा कथा थ्री देवा कथा कि आ कौन देवा कथा कहीं वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आएगा ये देखे सामान हो कि ना ना तेरे से तीन करा कथा ओके बुझल तोरे कौन देखे ना तार क्षेत्रफल होते टू ए वर्ग मीटर आते बल ना टू ए न्यूटन बल तो बल बै क्षेत्रफल कर बल हो बल हो टू ए क्षेत्रफल केफल भी सी टू एगा तो टू ए टू ए कटिज आपरे न्यूटन देखिए न्यूटन रख ये वर्ग मीटर दीजिए वर्ग मीटर मैंने कौन मीटर स्क्वायर है तो टू ए टू कटा मैंने किसी ना मैंने वन अच्छी तो वन न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हम आंसर ऑप्शन ए हम ठीक आंसर यहाँ तीन कर है ऑप्शन ए हो ठीक आंसर क्या टू ए टू ए कटिजा ना पूरा ये कटा उपरे न्यूटन है तेल कौन वर्ग मीटर रहा तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए हम ठीक आंसर मानक तापमात्रा के मानक तापमात्रा के मानक तापमात्रा के आंसर हम ऑप्शन सी 273 केल्विन कहुए कौन मानक तापमात्रा जो कह आब्सोल्यूट टेम्परेचर है
বা এটিএম বলে কুয়া যায়, আটমোস্ফেরিক প্রেসর আবসোলিউট টেম্পারেচর, সে যে মানক তাপমাত্রা কেতে 273 কেলভিন, আকু সেলসিয়াস কলে কোন হবো না 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানক 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস নলে 273 কেলভিন, এ দুইটা কোন বলে কুয়া যায় মানক তাপমাত্রা পা যায়। নেক্সট ধনুটির গুণ দেওয়া পাই, এটা তো কই দিয়েছি মত মানক, না 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 ঠিক অলগা আছে, গুণ দেওয়া পাই ধনুধারে যে বল প্রয়োগ করতে তা ধনুর কি প্রকার পরিবর্তন করে, ধনুর গুণ দেব মানে সূতার বাঁধিব জোরে ঝিকি সে ধনুধারী, তো সেই সময় সে ধনুর কোণ পরিবর্তন ঘটুছে, আনসার কোণ তার আকুরি পরিবর্তন হয়ে যাব, হল কেন সে এমনি থিব যে সূতার ঝিকিব হল জোর ঝিকিব সে, বা তুমি দেখো মনে কর এটা বাঁধি হলে বেড়ে হো কিংবা আউ কোণ না সূতা এমনি থিব তুমি সেতু সর লগাইব, সর লগাইব, সর লগাইব মানে কম করে তাকে তুমি এটি সর লগাইব আউ পুরা সূতা আমি ঝিকিব এমনি জোরে বড় প্রকার ঝিকিব না এমনি সরটার না কি তুমি সর লগে জন ছাড়ব রে ধন মারিব সেতু কম করছ সরক ধরিকি যে সূতাটা থাকবে এমনি থাকবে না তাকে জোরে ঝিকিব, সূতা ঝিকিব তা তার আকার যেমনি থাকবে কোড়া যে ধনুটা সে এমনি এত ওসারি রয়েবে না সেটা কোণ হয়েছে এমনি বঙ্কে যাবে, সে তাহলে সে বঙ্কে গেলে যাই তা সূতাটা এমনি যাব হল কেন বহু জোর তুমি বড় প্রকার ঝিকুছ না তাকে ঝিকুছ মানে সে কোণ পুরা বঙ্কে যাব, সে যেতে ওসারে থাকবে সে ওসার রয়েব না সূতাটা ঝিকি হলে সে তার আকার মধ্যে কোণ বদল যাব, তা মানে কোণ এটি তার আকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে, সে ধনুর আকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে, ধনুর গুণ দেওয়া বেড়ে কেউ বল প্রয়োগ করা যায় এটা আমি পূর্ব ডিসকশন করলে সায়ত এক রু পাঁচ নম্বর ভিতরে কোটি নম্বর লা এটা তোলা হচ্ছে কোণ মাংসপেশী বল, আমি মাংসপেশী প্রয়োগ করি এটি ধনুরে গুণ দেউছন্তি, ধনুর সর ছাড়লে সরটির গতি অবস্থার পরিবর্তন পাই এতে কি প্রকার বল প্রযুক্ত করা যায়, যেতে সরটি তুমি ছাড়িদেব সে তা গতি অবস্থার পরিবর্তন হব হলে সে তুমি কি প্রকার বল প্রয়োগ করছো তাকে, গতি পরিবর্তন মানে কোণ সে গতি করে পড়াইব দূর পড়াইব সে তোটা কি কি প্রকার বল প্রযুক্ত কল, সে কোণ সংস্পর্শ বল তুমি তাকে হাতের ধরল তাকে স্পর্শ কল, স্পর্শ করে তুমি ঝিকি ছাড়ল তুমি হাত লাগিয়ে যে গলা না নল যাইতে দেয় সে গুণ সূতা ধন লাগিলু যে গলা না নল যাইতে দেয় জানা না তুমি যে আপনার সংস্পর্শ বল তাকে তুমি ছুঁইকি ঠেলল সে সরকু নল সে জানা দাদা তুমি কোণ ভাবর সংস্পর্শ বল যাব কেউটি ঠিক নাই ক ৩৪ নম্বর, ঠিক না গোটা অপশন এ ঠিক নাই দেখু দেখু জনা পড়ে যাবে কাহিঁকি না সে কে মানক তাপমাত্রা 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কোচি পুরো ভুল মু তোমার টিকি তো কিনা মানক তাপমাত্রা কে না 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 273 কেলভিন, কেলভিন কলে 273 সেলসিয়াস কলে 0 ডিগ্রি কিন্তু এটি 4 ডিগ্রি কোচি তেমন এটা ভুল হল, তাপরে কো 34 নম্বর 35 নম্বর সমপরিমাণ বল পাই কম ক্ষেত্রফল থাকা পৃষ্ঠ উপরে চাপ আবশ্যক, চাপ কোণ হব হল সমান বল পাই কম ক্ষেত্রফল থাকা পৃষ্ঠ উপরে চাপ কোণ হব কো জলদি কো, যে ক্ষেত্রফল কমিলে তাহলে চাপ কোণ হব রে বল সেটি অছি ক্ষেত্রফল যদি কমিব তাহলে চাপ কোণ চাপ সেটি বড় যাব এটা মনে রাখো, হল চাপ অধিক হবে অপশন বি হচ্ছে ঠিক আনসার, মু তুমি কৌছি দেখ তুমি কম করে জানছ না তুমি যে কলেজ স্কুল যাই ধরি স্কুল যাওছ খান্দার লগাউছ তুমি সব যদি সেটা কোণ হচ্ছে তাহলে ওসার থাকছো না টিকি এমনি খান্দার ওসার লগাউছ না তুমি যে তুমি খান্দ উপরে লাগুছে গুড়ি সেপাই তোমার বেগটা কাটুনি যে তুমি কোণ করব যেতে মোটা মোটা যে তুলা পরিকা অছি সব ফিতা গুড়ি অছি সেসব বাহার করি তুমি সেটি কোণ করে পতলা দৌড়ি লগাইব হল কেবল পতলা দৌড় লগাইকি এসব বাহার করেদেব বাহার করে কেবল পতলা দৌড়ি লগাইব তাহলে কোণ হব তুমি খান্দ ভোজনে কাটিব না তুমি সেটি চাপ অধিক পড়ে কেমি এত ওসারে লা বলে অধিক ক্ষেত্রফল লা বলে তোমার খান্দ কাটু নাই যেটা সেসব ফিতা গুড়ি বাহার করেদ বাহার করে তুমি কোণ পুরো সরু সরু দৌড়ি লগাইব সেটি আউড় লগাই তুমি খান্দরে সে বেগ ধর স্কুল যাব তাহলে কোণ হব তোমার খান্দ ভোজনে কাটিব কেন দৌড়ি মানে কোণ ক্ষেত্রফল পুরো কমিযাব সে ফিতা বহু ওসারে থাকবে কিন্তু দৌড়ি মানে কোণ পুরো বহু সরু থাকবে তো ক্ষেত্রফল কমিলা মানে তার চাপ অধিক হব চাপ অধিক হয়ে তোমার খান্দ কাটিব ঠিক সেমি লুহা কণ্ঠা হাতে যদি কহিবা টেবুল অছে এটি লুহা কণ্ঠার কোণ লুহা কণ্ঠা আমার কেমন এমনি রয়েছে না নাই এমনি রয়েছে এপটে পুরা অধিক পুরা সরু রয়েছে এপটে অধিক চাপ রয়েছে তুমি যদি কম করব তাকে উল্টা করব এমনি করব উপরটা তুমি বাড়ব জোরে তাহলে সে লুহাকাটা ভিতরে যাব কি যাবনি কেন সে চাপটা কমিযাব কাহিঁ কমিলে কেন ক্ষেত্রফল অধিক হয়ে গেল তুমি যদি কম করব সে লুহাকাটাকে উল্টা বাড়াইব মানে উপরটা যে এটা থাকবে আর তলটা সে মুন টাইপের থাকবে
ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଆରାମସେ ଭିତରକୁ ପଶିବ କାହିଁକି ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମିଗଲା ନା, ତେଣୁ ଚାପ ଅଧିକ ହେବ, ଚାପ ଅଧିକ ହେଲେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଛି ସେଠି ଚାପ କମୁଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମ୍ ହେଉଛି ଚାପ ବଢ଼ିବ। ଏଠି କହୁଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ କମ୍, କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତା ମାନେ ଚାପ କ'ଣ ହେବ, ଚାପ ସେଠି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ହେଲା, ବଳ ସମାନ ଅଛି, ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମିଗଲା ତ ଚାପ ବଢ଼ିଯିବ, ଚାପ ସରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ଚାପ କମିଯିବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ଚାପ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ସମପରିମାଣ ବଳ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାପ କମିଯିବ, ଚାପଟା କମ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଚାପ ବଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଚାପ କମିଯିବ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାପ ଥାଏ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାପ ଥାଏ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସବୁ ଦିଗରେ ଚାପ ରହୁଛି, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନା ସବୁଆଡ଼େ, ସେ ଉପରଆଡ଼େ ଚାପ କହୁଛି, ତଳଆଡ଼େ ଚାପ କହୁଛି, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପ କହୁଛି, ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚାପ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାପ ଅଛି, ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଚାପ ଅଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ତଳକୁ ଚାପ ପକାଇବ, ତଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଚାପ ପକାଇବ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 100 ବର୍ଗ ସେମି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଗା ଉପରେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ, ଶହେ ବର୍ଗ ସେମିରେ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ 100 ବର୍ଗ ସେମି ମାନେ କ'ଣ ରେ, ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେବ ନା, ଏପଟେ 10 ସେମି ଏପଟେ 10 ସେମି। ହେଲା, ସେଠି ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ କେତେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେବ ନା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ 100 ବର୍ଗ ସେମି, କାରଣ ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ 10 × 10 ମାନେ 100 ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନ କେତେ ହେବ ନା, 100 ବର୍ଗ ସେମି ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ବାୟୁର ଓଜନ ବି କେତେ ହେଇଯିବ, 100 କିଗ୍ରା ହେଇଯିବ। ହେଲା, ମନେ ରଖ ଯଦି 1 ବର୍ଗ ସେମିରେ ବାୟୁର ଓଜନ 1 କିଗ୍ରା, 100 ବର୍ଗ ସେମିରେ 100 କିଗ୍ରା, ଯେତେ ବର୍ଗ ସେମି ସିଏ ସେତେ କିଗ୍ରା ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ତ ସ୍ପିକ୍ ମନେ ରଖ, ଯଦି 1 ବର୍ଗ ସେମି ଅଛି, 1 ବର୍ଗ ସେମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଯେଉଁ ଓଜନ ବା ବାୟୁର ଯେଉଁ ଓଜନ ହେଉନି କି, ସେ ଓଜନ କେତେ ହେବ ନା 1 କିଗ୍ରା ହେବ, 1 ରେ 1 ହେଉଛି, ତେଣୁ 100ରେ କେତେ ହେବ, 100 ବର୍ଗ ସେମିରେ 100 କିଗ୍ରା ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। 200 ବର୍ଗ ସେମିରେ 200 କିଗ୍ରା ହେଇଯିବ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ଆଉ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ସରଟିର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ, ଏଟା ତ କହିସାରିଛି, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, 3 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ତ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ମାଂସପେଶୀ ବଳ ହେବ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ସରି ସରି ସରି, ସରଟିର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ସର ଗତି କଲାବେଳେ, ଏଠି ଧନୁର ଗୁଣ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯେତେବେଳେ ସର ଗତି କରୁଛି ତ ଇଏଟା ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା, ଏବେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ତମେ ସେ ସରକୁ ଛୁଇଁକି ଛାଡ଼ୁଛ ନା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ସେ ଗୁଣକୁ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିଯାଉଛି ସେ, ତେଣୁ ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳରେ ପଳେଇବ। ଯେତେବେଳେ ସର ଗତି କହିବ ନା, ସେ ସମୟରେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଯେଉଁ ତମମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ, ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ, ମହାକର୍ଷଣ ବଳକୁ ମିଳିତ କେଉଁ ବଳ କୁହାଯାଏ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ, ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ, ମହାକର୍ଷଣ ବଳ, ଏମାନେ କ'ଣ, ଏମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଝିକୁଛନ୍ତି କି, ଚୁମ୍ବକଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁକି ଝିକୁଛି କି ନାହିଁ, ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଝିକି ଦେଉଛି, ତ ଅସହସ ବଳ, ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ ବି ଗୋଟେ ଅସହସ ବଳ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି ତଳେ ପେପର ଯାହା ଅଛି, ନ ଛୁଇଲେ ବି ତ ଅଟକି ଦେଉଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅସହସ ବଳ, ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ବି ଗୋଟେ ଅସହସ, ଯେମିତି ଉପରେ ସେଉ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ତଳୁ ଆଉଛି, ବା ତମେ ଟେକାଡ଼ ଫିଙ୍ଗ ଉପରୁ ସେ ତଳୁ ଏକା ପଡ଼ିବ, ସେଇ ନ ଛୁଇଲେ ବି ଝିକି ଦେଉଛି ପୃଥିବୀ ତା ତଳକୁ, ତ ହେଉଛି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଅଧିକ ଅସହସ ବଳ। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଅସହସ ବଳ ବୋଲି କହିବା, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କେଉଁ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ମହାକର୍ଷଣ। ହେଲା, ଯଦି ସେ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେଉଁ ବଳ ମାନେ ମହାକର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ କହୁଛି କେଉଁ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ, କେଉଁ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବ, ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କହିବ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ, ନା ଇଏ ହେଉଛି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ, କିନ୍ତୁ କହିବ କେଉଁ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଟା, ବୁଝିଲ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ, ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ, କାହିଁକିନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁନି, ନ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ଦେଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ କେଉଁ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ କେଉଁ ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଅସଂସ୍ପର୍ଶ, ଘର୍ଷଣ, ମହାକର୍ଷଣ। ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ପେନ୍ରେ ପେପର ଉଠେଇଦେବ ତୁମେ ଝିକିଦେବ, ନ ଛୁଇଲେ ବି ଉପରୁ ଉଠି ପକେଇବ ପେପର ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଚାପର ଏକକ କ'ଣ, ଚାପର ଏକକ ଦେଖ, ଚାପର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଚାପ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ ବଳ, ବଳ ମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟନ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କ'ଣ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ନ୍ୟୁଟନ ବାଇ ମିଟର ସ୍କୋୟାର,
जी गोटे न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर ना ना ये तले कौन अच्छे एम्र घात दुई अच्छे उपर को कहे कौन हम से घाटा माइनस दुई हो तले काटिद गोटे जिन हरण ही अच्छे उपर को घात माइनस हो तो न्यूटन मीटर पावर के माइनस टू जोटा कि अप्सन डी हम ठीक आंसर है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर ही पार्था जब मीटर स्क्वायर ना आम कौन लिखा देव न्यूटन इंटू कले कौन अच्छे मीटर स्क्वायर मीटर माइनस टू होपर जोटा कि अप्सन डी 44 नंबर डेस जंत्र द्वारा वायुमंडलीय चाप मपा जाए वायुमंडलीय चाप क्यों जंत्र द्वारा मपा जाए लैक्टोमीटर बारोमीटर एनेमोमीटर हाइग्रोमीटर ठीक आंसर हम ऑप्शन बी बारोमीटर जंत्र सहायता वायुमंडलीय चाप मपा जाए मन रख डेस बल द्वारा कूर पा कढ़ाइवा संभव अटे यहाँ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ तुम निजे आंसर देव है कमेन्ट जन तुम कतोटी प्रश्न उत्तर ठीक अच्छे जो डिस्कसन कराला ठीक अच्छे तो क्लास समाप्त करवा पूर्व समस्त कौन प्ले लिस्ट में तुमको सब गुड़े वीडियो मिल जाव जहाँ भी किसी क्लास ही आज पर्यटन सब मिल जाओ जदि आम NMS कोर्स जॉइन कर तो माई क्लासरूम से आप्लिकेसन इनस्टल कर प्ले स्टोर रु बायन ऑप्शन क्लिक करके कोर्स जॉइन कर समस्ते से कोर्स तुम्हें आम पेपर वन तास पेपर टूर मैथमेटिक्स सब सिलेबस कंप्लीटली प्रिपेरेशन पाव बहुत गुड़े बेनिफिट अच्छे जो टॉपर स्टूडेंट जहाँ दरकार सब कुछ तुम्हें सीट पापर NMS परीक्षा पास करेंगे तुमको पूरा सब जिन प्रोवाइड कराँ बुझिपार तो चलो वीडियो समाप्त करेंगे आज टेलीग्राम चैनल जॉइन करो तो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे से क्लिक कर जॉइन कर लो ठीक अच्छे थैंक यू।